पहले अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि जिन्होंने गंगा पूजा से, मां गंगा की पूजा से कुंभ की शुरुआत की थी, जिनके प्रयास से कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली, जिनके प्रयास से एक वैश्विक मान्यता इस कुंभ को प्राप्त हुई है और दुनिया के भारद्वाज ऋषि का आश्रम और पार्क, इन सब को ध्यान में रखकर के कुछ कार्य होने चाहिए थे। पार्क आज मूर्ति, महर्षि भारद्वाज जी की मूर्ति लगने के बाद आपने उस पार्क की भव्यता को अपनी आंखों से देखा होगा, उसके सुंदरीकरण के कार्य को अपनी आंखों से देखा होगा। पहले में अपने वहां काफी परिवर्तन हुआ है। हमारी सरकार ने तय की निर्णय लिया है कि पार्क के सुंदरीकरण की तर्ज पर ही महर्षि भारद्वाज के आश्रम की सुंदरीकरण, महर्षि भारद्वाज जिनके संत्रेता के युग, त्रेता युग में भी जिन्होंने प्रयागराज में विश्वविद्यालय की अपनी स्थापना करके यहां के लोगों को, देश से कोने कोने से आने वाले जो भी स्नातक थे उनको यहां पर प्रशिक्षित करते थे, दीक्षा देते थे, शिक्षा और दीक्षा दोनों का कार्य उन्होंने यहां से किया था। विमानन शास्त्र के विशेषज्ञ थे और कहा तो यह भी जाता है कि पुष्पक विमान भी महर्षि भारद्वाज की देन थी। उनके आश्रम के सुंदरीकरण के कार्य को भी हमारी सरकार ने लेने का निर्णय किया है।